काम्या पंजाबी और शलभ डांग की शादी में ढेर सारे टीवी के सितारे शामिल हुए, कुछ काम्या की तरफ से, कुछ शलभ की तरफ से। वैसे ही शादी का खास अट्रैक्शन थे इन दोनों के बच्चे। जी हाँ, शलभ और काम्या दोनों के बच्चे भी इस शादी के खास मेहमान थे। काम्या की बेटी और शलभ का बेटा देखिए कैसे अपने मम्मी पापा की शादी में आए। I'm very happy for mama and papa. And yeah, I just hope they stay happy together always. कि वो हमेशा खुश रहे। अब जरा मिलते हैं शादी के बाकी मेहमानों से। काम्या के इंडस्ट्री के ढेर सारे फ्रेंड्स थे, उसकी फैमिली थी, शलभ की फैमिली थी, लेकिन सबसे खास थी पूजा सिंह, जो सीरियल शक्ति में काम्या के साथ थी। और इस मौके पर हन फंक्शन में पूजा अपने साथियों के साथ सबसे आगे थी। साथ फेरे हो गए। बस बहुत खुश हैं हम लोग, एकदम खूब तैयारी के साथ हम लोग आए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। मेरी तो नजरें नहीं हट रही थी काम्या जी से और शलभ से, दोनों इतने गुड लुकिंग कपल है। फिर मैं बाहर आई फोटो, देखिए शादी तो होगी लेकिन खुद की भी तो फोटो सेशन जरूरी है ना। तुम कितने गंदे हो ना, तुम बदनाम कर दो मेरे को हर चैनल में, तुम बदनाम करो। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वी आर रियली हैप्पी एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड बस हम चाहते हैं कि हमेशा 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 खुश रहिए दोनों। ओह माय गॉड, तभी तो है आज तक सबसे तेज। तो यस, सच में सबसे तेज आज तक है, सबसे तेज। क्या बात है, हम भी आपके साथ यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। यही पे अंदर जाने का फायदा ही नहीं है। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। वाओ, लाइव फीड चल रही है क्या? यस, लाइव फीड। क्या बात है, क्या बात है, सारे क्या आज तक सबसे नहीं, 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 है। सब है अंदर, आज तक की सारी टीम है अंदर। 10 बार लगेगी, आज तक सबसे तेज, आज तक सबसे तेज। बस वही है, खुश रहे और खूब एंजॉय करे अपनी, हमेशा खुश रखे। yes. और एक अच्छा पेयर बना के चले, yes. मतलब सबके लिए एक आइडल बने कि कैसे कपल होते हैं, yes. और कैसे रहना चाहिए साथ में। खूब एंजॉय करें लाइफ को, खूब एंजॉय करें। यस, उनके बच्चे भी आपस में, बच्चों की भी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई शादी से पहले ही। दोनों आरा और जो उनके जो बेटे हैं, दोनों में ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई है। सो दैट इज़ लाइक एक जो शुरुआत, जब आप एक नई जर्नी शुरुआत कर रहे हो तो बच्चों का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ एक सबसे बेस्ट चीज़ हुई है, एक्सेप्ट कर चुके, एक कम्प्लीट फैमिली हो गई है। बेटा बेटी दोनों पैर इतने अच्छे हैं। सो नया बेटा बेटी, एक और नया बेटा बेटी, यू नेवर नो, यू नेवर नो। यस, काम्या जी के लुक के बारे में, अरे शी इज लुकिंग लाइक अ डीवा। बहुत ही प्यारी लग रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है, और खूबसूरत तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन दुल्हन में जब कोई लड़की आती है ना तो उसका रौनक ही अलग हो जाता है, तो नजर ना लगे, बस यही कहना चाहेंगे। अपने लोग के पास काम्या जी की शादी है और भाई तैयार तो हो रहा है, घर की शादी है भाई। तो मैंने तो पूरा रेड अटायर अपना पूरा तैयार रखा था, विद एवरीथिंग, रेड चूड़ा, रेड सिंदूर, एवरीथिंग। सो आई एम फुल डेक्ड अप, अब बस नाचना है जाके। मेरे भी डांस बचा है, सो मैं बस वेट कर रही हूँ, फेरे ओवर होंगे तो मैं बस नाचूंगी जाके अंदर। हाँ, जैसे वो कहते हैं ना कि शादी है तैयार होकर आई है, तो बस वही है कि एक शेरवानी कुर्ता है, काइंड ऑफ कीपिंग इन माइंड कि इट्स अ आफ्टरनून वेडिंग एंड दैट टू इन गुरुद्वारा, तो उसके अकॉर्डिंगली। एंड आई एम लविंग योर ड्रेस। मैंने आते साथ ही लक्ष्य को कॉम्प्लीमेंट किया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। थैंक यू सो मच। हम दोस्त सिर्फ एक ही शुभकामना देते हैं, और वो भी दिल से देते हैं, कि जो ये खुशी का पल है ये यहाँ से शुरू होकर ताउम्र बना रहे, और ऐसे ही जिस तरह से अंदर दोनों हंसते खेलते वक्त को गुजार रहे हैं, ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही हंसते खेलते वक्त गुजरे। मैं भी यही बोलना चाहूँगी, इनफैक्ट अभी जब फेरे हो रहे थे मेरी आंखों में आंसू ही आ गए थे, क्योंकि वो दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो प्यार और वो खुशी जो चेहरे पर झलक रही है उनके, तो ऐसा देखकर बहुत अच्छा लगता है, और बस सारी दुआएं उनके साथ हैं हमारी। बस मेरी लुक तो आप देखो, बड़े टिपिकल इंडियन है अपना, जो है एक वाइब्रेंट सा कलर है, वाइब्रेंट के माहौल में, खुशी के माहौल में थोड़े से ब्राइट कलर है, और साथ में सोबर एक जैकेट वगैरह है। हम मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं करता, माहौल ऐसा है ना, हमें कौन देखेगा यार, देखने वाले अंदर हैं। हमें कौन देखेगा। मैंने एक्चुअली तीनों दिन के लिए अलग अलग कलर डिसाइड किए, और कल संगीत और मेहंदी में मैंने थोड़ा सा ब्राइट कलर पहना था, मरूनिश, गोल्डन, बेज, ये सब मिक्स था। तो अभी डे का शादी है तो मुझे लगा कि थोड़ा मैं लाइट रखूँगी, तो लेकिन मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं जो भी पहनूँगी मैं कंफर्टेबल रहनी चाहिए, क्योंकि कल हमने जैसे बहुत डांस वांस किया, बहुत धमाल किया उसके लिए भी, और आज भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने फ्रेंड की शादी में, अपने यारों की शादी में, मतलब आप अनकंफर्टेबल रहो। तो मैंने कंफर्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया है।